सफेद बाघ के माँ शेरनी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बाघ और बाघिन रहते थे। बाघिन ने एक सफेद बच्चे को जन्म दिया था। बाघ और बाघिन अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वो अपने बच्चे को वीरा कहकर बुलाते थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई कि एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जब ये बात बाघ और बाघिन को पता चलती है, तब बाघ कहता है, देखो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर बाघ और बाघिन वीरा को लेकर सुरक्षित जगह की ओर भाग रहे थे कि अचानक बाघ और बाघिन शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये देख वीरा डर जाता है और रोने लगता है। बाघ और बाघिन जाल से छुटने की बहुत ही कोशिश करते रहते हैं, पर छुट ही नहीं पाते। तब बाघिन वीरा से कहती है, बेटा वीरा डरो मत, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेंगे। नहीं माँ, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। देखो तुम हमारी चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें बड़े होकर इस जंगल की रक्षा करनी है, हमेशा दूसरों की मदद करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हमारी कसम। वीरा ना चाहते हुए भी अपने पिता की बात मान लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। यूं वो भागते भागते बहुत दूर चला जाता है और थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचता है, हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ, इतने बड़े जंगल में कौन मेरा ख्याल रखेगा। अभी रात होने को आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यूं वीरा सोच रहा था कि तभी एक काले चीते की नजर वीरा पर पड़ती है। अरे वाह, बाघ का बच्चा और वो भी सफेद, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर काला चीता वीरा के पास जाता है और कहता है, बेटा कौन हो तुम, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, अभी रात होने को आ रही है, जल्दी से अपने घर चले जाओ, यहाँ खूंखार जानवर बहुत है, वो तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं बचेगी। वीरा काले चीते की बातें सुनकर और भी डर जाता है। वो रोते हुए काले चीता को सारी बात बताता है। वीरा की बातें सुन काले चीते के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो नकली आंसू बहाते हुए वीरा से कहता है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था जो उजड़ गया, तुम्हें देखकर मुझे मेरे बच्चे की याद आ गई, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। यूं काला चीता अपनी मीठी मीठी बातों से वीरा को फंसा लेता है और उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है और कहता है, बेटा तुम बहुत थक गए हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर काला चीता वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, वैसे वीरा अभी बहुत छोटा है, ये मेरे नाश्ते के बराबर भी नहीं है, मैं इसे कुछ दिन अच्छे से खिला पिला कर हट्टा कट्टा करता हूँ, तब जाकर इसे खाने में मजा आएगा। ये सोचकर काला चीता वीरा का अच्छे से ख्याल रखने लगा। जंगल के सारे जानवर काले चीते के इस बर्ताव से आश्चर्यचकित होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर काला चीता वीरा का इतना ख्याल क्यों रख रहा है, खास करके लोमड़ी को। वो मन ही मन सोचती है, अरे दाल में कुछ काला है, नहीं तो ये काला चीता बिना मतलब के किसी का ख्याल थोड़ी ना रखने वाला, मुझे वीरा को इस काले चीते से बचाना होगा। मैं अभी जाकर ये बात शेरनी को बताती हूँ, अब वही इस काले चीते से निपटेगी। यूं लोमड़ी शेरनी को सारी बात बता देती है। शेरनी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। जंगल की रानी होने के नाते वो जंगल में सबसे मिलजुल कर रहती थी और सारे जानवर शेरनी की बहुत इज्जत करते थे। शेरनी को जब वीरा के बारे में पता चला तो वो कहती है, लोमड़ी तुम चिंता ना करो, मैं वीरा को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उस काले चीते ने वीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
इधर काला चीता भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक जाता है, पर उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। आखिरकार वो वीरा को ही खाने का निर्णय करता है और अपनी गुफा की ओर निकल पड़ता है। शेरनी भी काले चीते का पीछा करती है। जैसे ही काला चीता वीरा पर पीछे से हमला करने वाला था कि तभी शेरनी दहाड़ मारते हुए काले चीते पर टूट पड़ती है और उसे रोक लेती है। ये देख वीरा घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब काला चीता कहता है, अरे शेरनी देखो, तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत आओ। ये सुनकर वीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगता है। तब शेरनी कहती है, बेटा डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। शेरनी और काले चीते के बीच में जमकर लड़ाई होती है। शेरनी काले चीते को मार डालती है। तब तक लोमड़ी और बाकी के जानवर वहां आ जाते हैं। लोमड़ी, आज तुम्हारी वजह से वीरा की जान बची है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से वीरा मेरा बेटा है और इस जंगल का होने वाला राजा। यू शेरनी वीरा को अपने साथ ले जाती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। वीरा भी अब शेरनी के साथ बहुत खुश रहता है। मंकी बोट रेस। जंगल के तालाब में एक बोट रेस लगी थी जिसमें खरगोश, चूहा, भालू और बंदर हिस्सा ले रहे थे। सब चिंटू चिंटू कहके चिल्ला रहे थे। सभी को लग रहा था कि चिंटू ही बोट रेस जीतेगा, क्योंकि चिंटू बंदर सबसे आगे जो था। पर थोड़ी देर में ही वो पीछे चला जाता है और बोट रेस हार जाता है। पर ऐसे क्या हुआ जो जीतने वाला हार कैसे गया, चलिए देखते हैं इस कहानी में। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था जहाँ हर जानवर अपनी प्यास बुझाने आता था। सभी प्रकार के छोटे बड़े जानवर उस जंगल में रहते थे। एक बार भालू अपनी गुफा की साफ सफाई कर रहा था कि तभी उसे एक बोट दिखाई देती है जो कि बुरी तरह से टूट चुकी थी। तब भालू का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ ये कैसी बोट है और ये कैसे टूट गई? बेटा ये तुम्हारे पिताजी की बोट है, उन्हें बोट चलाना बहुत पसंद था, पर बेटा एक बार ये बोट टूट गई, तब से मैंने इसे यहाँ रख दिया। मैं भी बोट चलाऊंगा माँ, मैं इसे ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर भालू अपने पिताजी की बोट को ठीक करता है और तालाब की ओर जाता है। भालू धीरे धीरे बोट चलाना सीख लेता है। उसी तालाब के पास चिंटू नाम का एक बंदर भी रहता था। चिंटू के पास पहले ही एक बोट रहती है, पर चिंटू बड़ा घमंडी बंदर था। एक बार वो भालू से कहता है, क्यों भालू सीख गया बोट चलाना, या मैं कोई मदद कर दूं सिखाने में? नहीं नहीं, अब मैं सीख चुका हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। भालू को देखकर खरगोश और चूहा भी अपनी अपनी बोट बनाकर तालाब में आते हैं और अपनी बोट चलाने लगते हैं। उन सबको देखकर चिंटू को बड़ा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है, एक के बाद एक हर कोई बोट लेकर तालाब में आ रहे हैं, पर कुछ भी हो मैं ही अव्वल हूँ इस बोट को चलाने में। उन सबको बोट चलाते देख चिंटू बंदर को गुस्सा आ जाता है। घमंडी चिंटू एक बार उन सबको रोक लेता है और बोट चलाने से मना कर देता है, जिस वजह से खरगोश, चूहा और भालू के साथ वो झगड़ा करता है। तब भालू से कहता है, क्या बात है चिंटू, तुम ऐसे हमें रोक नहीं सकते, ये तालाब सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है। इस तरह से सब उससे झगड़ा कर रहे थे कि तभी वहां पर एक हाथी आता है और उनका झगड़ा सुलझाने की वो कोशिश करता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और हाथी उन सबसे कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम सब बोट रेस लगाओ, इससे सभी को पता चलेगा कि कौन अव्वल है बोट चलाने में, और इस बोट रेस में जो भी जीतेगा उन सबको उसी की बात माननी होगी और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। हाथी की बात सबको पसंद आती है और सब मान भी जाते हैं और एक दिन रेस का दिन तय करते हैं। सारे जानवरों में बोट रेस की बात फैल जाती है। जंगल के राजा को बोट रेस का न्योता भेजा जाता है। सारे जंगल में बस बोट रेस के दिन का ही इंतजार होता रहता है। सारे जानवर बोट रेस को लेकर काफी उत्साही थे, कुछ उसमें हिस्सा लेने के लिए तो कुछ उसे देखने के लिए। धीरे धीरे करके बोट रेस का दिन आता है। सभी जानवर रेस देखने जाते हैं। शेर भी समय से पहले ही वहां पहुंच जाता है।
चूहा, खरगोश, भालू और चिंटू भी अपनी अपनी बोट लेकर तालाब में उतर जाते हैं। पर ये क्या, चिंटू तो केले का एक गुच्छा भी लेकर आया साथ में। तब हाथी चिंटू से पूछता है, अरे चिंटू, ये केले क्यों लेके आया? रेस का समय हो गया और तू अभी खाएगा क्या? अरे रेस के वक्त केले खाऊंगा तो और ताकत आएगी और ज्यादा शक्ति से बोट चला पाऊंगा मैं, तभी तो आगे जाकर रेस जीतूंगा ना। कैसा है मेरा आइडिया? बड़ा ही घटिया आइडिया है चिंटू, अब तो तू 100% हारेगा। ये बात सुनकर चिंटू को हाथी का गुस्सा आता है। बोट रेस का समय होता है। चूहा, खरगोश, भालू और चिंटू बोट में बैठ जाते हैं। हाथी 1, 2, 3 कहकर विसल बजाता है और रेस चालू हो जाती है। पहले तो चिंटू आगे निकल जाता है, उसके पीछे धीरे धीरे सारे बोट चलाते हुए आते रहते हैं। तब चिंटू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, देखा, मैं कितना तरबेज हूँ बोट चलाने में, तुम लोग तो मेरे बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर चिंटू बोट रोक देता है और केले खाने बैठता है और फिर से बोट चलाने लगता है। चिंटू आगे और बाकी सभी पीछे, लेकिन चिंटू बीच बीच में केले खाने के लिए रुकता रहता है। तभी सभी जानवर को लगता है कि चिंटू ही जीतेगा। पर ये क्या, ज्यादा केले खाने की वजह से चिंटू को धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो सुस्ताने लगता है। उसकी स्पीड भी कम होते जा रही थी। बस कुछ ही पलों में भालू चिंटू की बराबरी में आता है। तब भालू कहता है, अरे क्या हुआ चिंटू, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी भी चिंटू अकड़ दिखाता है और वो बोट को आगे चला ही नहीं पा रहा था। देखते ही देखते भालू आगे निकल जाता है, उसके साथ साथ चूहा और खरगोश भी आगे निकल जाते हैं और इधर चिंटू केले खाकर पूरी तरह सो जाता है। आखिरी में भालू रेस जीत जाता है। सारे जानवर ताली बजा रहे थे। तब चिंटू नींद से उठ जाता है और कहता है, अरे केले तो मैंने ताकत बढ़ाने के लिए खाए थे, पर इसे खाकर तो मैं सो गया और ये भालू रेस जीत गया। दाद तेरी की, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा कहकर धीरे धीरे चिंटू भी किनारे पहुंचता है। सब भालू की बड़ी ही प्रशंसा कर रहे थे और चिंटू पर हंस रहे थे। शेर राजा की तरफ से भालू को एक उचित इनाम दिया जाता है। तब हाथी कहता है, अब बताओ भालू, इस तालाब के लिए तुम्हारा क्या निर्णय है? और हाँ, जो भी तुम्हारा निर्णय है वो सभी को मानना होगा, क्यों रे चिंटू? चिंटू धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है। तब भालू उसे कहता है, इस तालाब पर हम सबका हक है, इसलिए कोई भी यहाँ आ जा सकता है और बोट चला सकता है। हम सब एक है और मिलजुल कर ही रहेंगे। देखा चिंटू, भालू का निर्णय तुमसे छोटा है, लेकिन तुम हो कि ज्यादा घमंडी और अकड़ में सब कुछ गवा बैठे। मुझे माफ कर दो भालू, आज के बाद हम सब मिलकर बोट चलाएंगे इस तालाब में। भालू, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही निर्णय लिया करते थे, किसी को भी वो कभी नहीं दिल दुखाते थे। तुम बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे हो। उस दिन से चिंटू और भालू दोनों दोस्त बन जाते हैं और सभी जानवर मिलकर उस तालाब में बोट चलाने का मजा लेते रहते हैं।